हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर जीके एंड मैथ्रिक्स में। दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क को लेकर के आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आज से टाइम एंड वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क आपका आसान हो जाए, ऐसा कोई तर्क ना बचे कि आप टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम को हल ना कर पाएं, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से लेकर के और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एडवांस की ओर हम ले चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के टाइम एंड वर्क को समझिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमको टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को समझेंगे। पहले टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर मानते हैं कोई आदमी है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि राम है, ठीक है, और मान लेते हैं कि श्याम है, राम है और श्याम है। मान लीजिए कि राम जो है एक दिन में दो कुर्सी बना लेता है, दो चेयर बना ले रहा है, और श्याम जो है एक दिन में एक चेयर बना ले रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो क्या निकलेगा? देखिए कि अगर हम 10 दिन का निकाल रहे हैं तो राम एक दिन में दो चेयर बनाता है, 10 दिन में कितने चेयर बनाएगा? 20 चेयर बनाएगा। फिर वहीं पर आएंगे, श्याम जो है एक दिन में अगर एक चेयर बनाता है तो यह 10 दिन में कितना बनाएगा? 10 चेयर बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहीं से दोस्तों समझने वाली बात है कि राम जो है यह कम समय लगाता है और अधिक जो है कुर्सियां तैयार करता है, यानी कम समय लगा करके यह अधिक कुर्सियां तैयार कर रहा है। लेकिन यहां श्याम जो है अधिक समय लगा करके भी और कम कुर्सियों को तैयार कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को यहां नोट कर लेंगे कि जो राम एंड श्याम के समय और काम करने में क्या है, एक दूसरे से वह उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है, देख लीजिए जरा, कि अगर यहां पर देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वह अधिक लग रहा है, टाइमिंग सॉरी अधिक क्या यहां टाइमिंग इसका क्या है, कम लग रहा है, और यह अधिक जो है चेयर बना रहा है, कम समय में अधिक चेयर बना रहा है। और यहीं पर क्या है कि अधिक समय ले रहा है लेकिन चेयर कम बना रहा है। तो यानी यहां से समझ में आ जाएगा कि टाइम एंड वर्क जो होता है दोस्तों, एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा होता है। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? उल्टा। दूसरा उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए तेज भागने वाला होता है, क्या है? तेज भागने वाला है। तो जो तेज भागने वाला होता है वह कम समय में अधिक दूरी तय कर पाता है, कम समय में अधिक दूरी तय कर पाएगा। लेकिन जो मोटा आदमी है, जो लेजी आदमी है, जो कम धीरे धीरे चलता है, तो वैसे व्यक्ति को अधिक समय में कम दूरी तय करेगा। तो यहां पर भी समय और काम को भी आप देख सकते हैं एक दूसरे से क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसकी इफिशियंसी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए, अब यहीं से चलते हैं, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। क्या होता है? इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। अगर मान लीजिए कोई ए है और बी है, ठीक है, ए और बी के कार्य करने की जो क्षमता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर हम प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क में जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो आपको आपके सामने नजर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ए और बी के अगर कार्य करने की क्षमता अगर हम देख ले, मान लीजिए कि ए जो है वह दोगुनी काम करता है, किससे? बी से। तो ए जो काम करता है वह दुगुनी काम करता है बी से। दुगुनी कार्य करने का मतलब है कुर्सी बनाना, टेबल बनाना, बेंच बनाना, कुछ भी बनाना, कोई भी कार्य करना, या किताब पुस्तक ही पढ़ना, ठीक है। तो यह जो है दुगुना काम करता है इसके बी के अपेक्षा। तो अब समय जो लगेगा, जरा दोस्तों देखिए कि यह जितना काम इसको करने में एक दिन लगेगा, उतना ही काम करने में इसको कितना लग जाएगा? दो दिन लग जाएगा। नहीं दोस्तों, ये आपका हो गया वर्क और ये आपका क्या हो गया? टाइम। यहां पर देख सकते हैं कि जो इफिशियंसी जो होता है कार्य करने की, जो उसकी क्षमताएं होती है, वह भी एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। कार्य करने की जो क्षमता होती है वह भी एक दूसरे से क्या होता है? उल्टा होता है। यहां से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं नहीं
कि अगर एक ए जो है कार्य करने की क्षमता उसको दुगुना है बी से, यानी ए एक दिन में दो कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है, तो समय जो लगेगा वह यह एक दिन में दो कुर्सी बनाता है, तो इसको यही इसको दो कुर्सी बनाने में कितना लग जाएगा, दो दिन लग जाएगा, दो कुर्सी बनाने में कितना, दो दिन लग जाएगा दोस्तों। इसी चीज को समझना है, तो यही जो यहां भी क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क में क्या आप इफिशियंसी की भी बात अगर करते हैं तो वह भी क्या होता है, उल्टा ही होता है। क्या होता है, उल्टा ही होता है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं हम आगे। बस यह जो है यही मुख्य चीजें हैं, पूरे चैप्टर का डिचोर है यह, कि यही बात याद रखना है कि टाइम और वर्क एक दूसरे से उल्टा होता है। इसी पर आधारित आपको जो है सो आगे हम प्रश्न को हल करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए प्रश्न जो हमारा कहता है, सबसे पहले सबसे एकदम आसान प्रश्न को लिए हैं, इसको दो तरीका से हम बता रहे हैं, दोनों तरीका सीखिए, जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप प्रश्न को एग्जामिनेशन में हल कीजिएगा। अब इसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप बदलता जाएगा और आपको एक से एक प्रश्न को आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम लेकर आए हैं जो सबसे आसान है इस चैप्टर का प्रश्न, उसको लेकर के आए हैं। क्या कहता है, राम किसी काम को 8 दिन में करता है, राम किसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि श्याम उसी काम को उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम राम क्या है, देखिए राम जो है वह कितने दिनों में काम करता है, राम करता है 8 दिन में। 8 दिन में तो हमने क्या बताया था अभी जस्ट आपको, कि जो समय होगा और जो कार्य होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो राम का जो 8 दिन में कार्य करता है, तो वह कार्य करने की जो क्षमता उसकी है, अगर उसको हम 1 दिन में निकालेंगे तो वह 1/8 काम करेगा 1 दिन में। ठीक उसी तरह श्याम की अगर हम बात करेंगे, तो श्याम जो है अगर 12 दिन में काम करता है, काम को ख़त्म करता है, तो 1 दिन में उसके कार्य करने की जो क्षमताएं होगी, 1 दिन में जो वो काम करेगा वह 1/12 काम करेगा। अब दोनों मिल करके करना है, तो राम प्लस श्याम मिलकर के कार्य को करना है, तो 1/8 प्लस 1/12 कर लेंगे, और 8/12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 8 + 24 3 + 3 12 × 24 2 + 2 5/24 इस तरह से जो इसका हो जाएगा 5/24 यह क्या हो गया, फिर वही जो आ गया आर, ये जो है हमारा राम और श्याम का क्या हो गया काम करने का, यह इतने दिनों में नहीं, फिर इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे, तब जा करके यह वह दिन में बदलेगा। अभी इसका काम है, यह क्या है काम है, हम दिन में बदलने के लिए फिर इसको उल्टा करेंगे, यानी जो हो जाएगा यह 24/5 दिन में यह कार्य समाप्त होगा। इसको पूर्णांक में ले जाएंगे तो 4/4 कितना हो जाएगा, 4/5 दिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह आपने क्या देखा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट विधि था, जो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वाला विधि था वो था आपका। अब हम देखिए ट्रिक्स बताते हैं, इसको हल करने का ट्रिक्स बताते हैं। अब जैसे देखिए कि 8 दिन में राम जो है वह 8 दिन में कार्य को करता है, और श्याम जो है वह 12 दिन में कार्य करता है। श्याम जो है कितने दिनों में करता है दोस्तों, 12 दिन में। इस तरह का आप एक मतलब छोटा सा चित्र बनाएंगे, इस तरह से आप दर्शाएंगे 8/12 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों, 8/12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 को 24 में भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 12 को 24 में भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा। अब यही दोस्तों कुल मिलाकर के समझिए इस बात को कि राम और श्याम को कुल मिलाकर के 24 कुर्सियां बनानी है। कितनी कुर्सियां बनानी है, 24 कुर्सियां बनानी है। अब राम जो है 1 दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, 3 का मतलब यहां पर है 1 दिन में यह 3 कुर्सियां बनाता है, और श्याम जो है 1 दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो दोनों मिल करके 1 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा दोस्तों, तो 3 और 2 1 दिन दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 5 कुर्सियां बनाएगा। लेकिन बनाना कितना दोस्तों, उसको 24 कुर्सियां बनाना है, तो कितना समय लगेगा सो बताइए जरा। यही ना हो जाएगा 24 और 12 हो जाएगा 5, यही समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो 24 कुर्सियां बनाना है और 5 कुर्सियां पर डे बनाते हैं, तो 4 दिन में 20 कुर्सियां हो जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। दैट मींस आप क्या करेंगे, इसको भाग दीजिए, तो 4/4/5 जो है सो दिन में यह कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगले टाइप को चेंज करके ले रहे हैं। ठीक है, क्या करना दोस्तों, देखिए जरा, अब ये जो टाइप थोड़ा सा क्वेश्चन उसी प्रकार का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी, यहां देख लीजिए, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी तथा सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी तथा सी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है,
जबकि सी तथा ए उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों तीनों मिल करके कहता है, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, ये हमारा प्रश्न है। अब तीनों को मिलाएंगे, देखिए तो ए दो बार आ जाएगा, बी भी दो बार आ जाएगा, सी भी दो बार आ जाएगा। 2 × A + B + C हम ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब इसको छोड़िए, हम यहाँ देखते हैं कि तीनों मिल करके आखिर कर कर क्या सकता है, जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तीनों का हम क्या करेंगे, अपने बस छोड़ दीजिए ट्रेडिशनल मेथड, उसको छोड़ दीजिए, आपको हल किससे करना है, बस ट्रिकी मेथड शेयर कीजिए। और ऐसा कि आपको ये भूलने वाली बात नहीं है, एकदम याद ही रहेगा। ठीक है, देखिए अब 20 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, लगभग दोस्तों 60 हो जाएगा। 20 3 60, 12 5 60 और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ से ले लीजिए, तीन चीज़ें हैं, अलग अलग है, तीनों तीनों का अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 20 3 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, जरा देखिए कि ए और बी यानी कुल मिलाकर के कुर्सियाँ कितनी बनानी है हमको, तो 60 बनानी है। ए और बी जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियाँ बना पा रहा है, बी और सी एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना पा रहा है, सी और ए एक दिन में 4 कुर्सियाँ बना पा रहा है। तीनों दोस्तों मिल जाएगा, तो तीनों जब मिल जाएगा तो 5 × 4 = 9 = 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए डबल 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 सब है, कितना है डबल है, दो बार ए भी आ रहा है, दो बार बी भी आ रहा है, दो बार सी भी आ रहा है, बात देखना है। तो अब मान लीजिए ऐसे दोनों तीनों का मतलब हो गया ये 6 बार, कितना हो गया 6, नहीं तीनों का मतलब कितना हो गया 6। तो यहां पर देखना है कि यह 12, ये कितना है 12, यानी एक दिन में यह डबल डबल हो करके 12 गो कुर्सियां बना पा रहा है। तो अलग 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 हो करके अगर बनाएगा, यानी तीनों को अगर अलग अलग सिंगल में ले आएंगे, तो यह यानी कितना हो जाएगा 2 से इसमें भाग हो जाएगा। नहीं, अगर समझ इस तरह से एक इसको ऐसे ले लीजिए कि तीनों मिल करके, तीनों तो डबल डबल हो रहा है ना, यानी जो एक दिन का काम है जो दो दिन में होना चाहिए वो एक ही दिन में कर पा रहा है। तो इसको आप इसको 2 से भाग ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12 का 2 से भाग देंगे तो 6 कुर्सियां हो जाएगा। यानी डबल डबल हो करके 12 कुर्सियां बन रहा है, तो सिंगल सिंगल हो करके 6 कुर्सियां बनाएगा। तो जब 6 कुर्सियां बनाएगा तीनों मिल करके, बनाना कितना है 60 कुर्सियां, तो 60 बट्टा हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 10 दिन में यह सारा कुर्सियां तीनों मिल करके बना देगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप 12 से ही भाग लगा दीजिए, तीनों मिल करके बना रहा 12 से, तो 12 5 60 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह देखिए कितना है कि डबल डबल है, डबल डबल लगा रहा है ना, तो इसको एक आ जाएगा, यहाँ एक से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 × 10 दिनों से भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए अगला जो है, अगला टाइप फिर चेंज करते हैं, देखिए जरा, फिर टाइप चेंज हो गया, देखिए जरा क्या कहता है हमारा, कि यदि राम और श्याम किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है, राम और श्याम किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, राम और श्याम किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम उस कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि राम और श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में दोनों मिल करता है। अब श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में कर लेता है, तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ से ले लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, 10 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। राम और श्याम मिलकर के कितना, 5 दिन, एक दिन में 5 कुर्सियाँ तैयार करता है, कुल मिलाकर हमको कुर्सी कितना तैयार करना है 30, 6 10 का लघुत्तम 30 हो गया, तो कुल मिलाकर के हमें 30 कुर्सियाँ मान लीजिए तैयार करनी है। राम और श्याम एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाती है, बनाता है राम और श्याम, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि ये यानी 6 है, 6 दिन में ना कार्य समाप्त करता है, तो 6 5 एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है, श्याम अकेले 10 या 30 यानी एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, तो राम अकेले, अब यहीं से समझिए दोस्तों कि राम और श्याम मिल करके एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है, और यहाँ पर जो आता है कि श्याम अकेले अगर 3 कुर्सियां बनाता है, तो यहां तो राम कितना बनाता है, राम और श्याम मिलके 5 कुर्सी बनाता है एक दिन में, श्याम अकेला 3 कुर्सी बना रहा है, तो राम तो 3 घटा दीजिएगा तो 2 कुर्सी बनाता होगा ना, राम कितना कुर्सी रोज बनाता होगा, तो 2 कुर्सियां बनाता होगा, और कितने कुर्सी बनाने हैं, तो 30 कुर्सी बनाने हैं, तो 30 / 2 कर दीजिए ना, तो 15 दिन में वह कर देगा ना, 15 दिन में बना देगा ना,
कितना समझ में आ गया कि श्याम जो एक दिन में कितना कुर्सी बना पड़ा, दो कुर्सी बना पड़ा, क्योंकि राम और श्याम मिल करके एक दिन में पांच कुर्सियां बनाता है, श्याम तीन कुर्सी बनाता है, तो राम दो कुर्सी बनाता हुआ तब ना पांच कुर्सी, राम दो कुर्सियां एक दिन बनाता है, अगर राम को टोटल 30 कुर्सी बनाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, दो से भाग दीजिए तो 15 दिन में, एक दिन में दो कुर्सी तो 15 दिन में 30 कुर्सियां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा क्या कहता है जरा देखते हैं क्या कहता है अगला, देख लीजिए। कहता है कि ए का कार्य करने की क्षमता बी से तीन गुनी है। दोस्तों देखिए, अब ए की जो कार्य क्षमता है बी की जो कार्य क्षमता है ये तुलना किया जा रहा है, तो ए की बी से तीन गुनी है। देखिए तो बी का अगर एक है तो ए का कितना है, तीन गुनी, का मतलब तीन गुना, यही ना है रेशियो इसका, यह एक तो यह तीन, यह कार्य क्षमता है तीन गुना। तो समय कैसे लगा दोस्तों, यहाँ देखिए कार्य करने की जो है इफिशियंसी ये है, तो इसका जो होगा जो इसमें समय का रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा। तो जो तीन कार्य करेगा इसको एक टाइम लगेगा और जो एक कार्य करेगा उसको क्या होगा, थ्री टाइम लगेगा। जैसे कैसे देखिए जरा, यानी कि यहाँ पर देखिए कि यह तीन गुनी कार्य करता है, नहीं अगर यह तीन कुर्सी बनाता है एक दिन में तो यह एक दिन में तो एक ही कुर्सी बनाता है, इसको तीन कुर्सी बनाने के लिए तो तीन दिन लग जाएगा, नहीं यह तीन कुर्सी एक ही दिन बना रहा है और यह इसको तीन कुर्सी बनाने के लिए तीन दिन लग जाएगा। तो कार्य का जो रेशियो हो जाएगा ये समय का जो रेशियो ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित प्रश्न है, बस फटाफट कर देते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन अधिक समय लगाता है, समय तो यही है ना दोस्तों, समय तो यही ना है, तो एक कार्य करने में 20 दिन कम समय लेता है, ए जो है कम समय लेता है इससे। तो जैसे अब रेशियो में होता है तो कैसे रहते हैं, ये अनुपात में है, तो एक 3x हो गया, 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये इससे क्या करता है कि यह 20 दिन कम समय लेता है, इससे 20 दिन कम समय लेता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 20 दिन हो जाएगा, यह समय है, समय है, तो यह हो जाएगा 2x बराबर अगर 20 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन, x बराबर कितना आएगा, 10 दिन। लेकिन ज्ञात किसका करना था कि b अकेला उस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा, b का कार्य करने का समय 3x है, x की वैल्यू 10 आया तो 3 × 10 = 30 दिन लगेगा दोस्तों, कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा दोस्तों, 30 दिन, 30 डेज लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपने पूरा देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगला पार्ट जो लेकर के आएंगे, दूसरा पार्ट जो लाएंगे, बिना पेपर और बिना पेन का आप आसानी से हल करना सीखेंगे, बिना पेपर और बिना पेन का आसानी से हल करना आप सीखेंगे। ठीक है, तो अगला जो दूसरा पार्ट इसका लेकर के टाइम एंड वर्क का, उसमें जो प्रश्न होगा वह जो दो दिन करके भाग गया, चार दिन करके भाग गया, जैसे भी भाग गया हो भगाते रहेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।